शिवपुरी में अमानवीय कृत्य करने वाले के अतिक्रमण पर चला बुलडोजर। मध्य प्रदेश के शिवपुरी जिले के नरवर थाना क्षेत्र के बरखाड़ी गांव में दो युवकों को मैला खिलाने और जूते की माला पहनाकर काला मुंह करने के मामले में आरोपी बनाए गए लोगों के घर पर गुरुवार की सुबह प्रशासन ने कड़ी कार्यवाही की। यहां पर आरोपियों के द्वारा जो अतिक्रमण किया गया था उस पर बुलडोजर चला। गौरतलब है कि दो युवकों जिनमें एक दलित और एक पिछड़ा वर्ग का है, साथ चोरी और छेड़छाड़ के आरोप में पकड़कर गांव के लोगों ने अमानवीय कृत्य किया। इस मामले में 7 आरोपियों में 2 महिलाएं शामिल हैं। इनमें से 6 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया, एक आरोपी फरार है। बीते शुक्रवार की दोपहर बरखाड़ी गांव में कुछ लोगों ने अर्जुन जाटो और संतोष केवट नाम के दो युवकों को लड़कियों की छेड़खानी करने के आरोप में पकड़ लिया। ग्रामीणों ने मिलकर युवाओं के साथ अमानवीय व्यवहार करते हुए पहले दोनों युवकों के साथ मारपीट की, इसके बाद दोनों युवकों के गले में चप्पलों की माला डाल दी। ग्रामीण इतने पर नहीं रुके, ग्रामीणों ने मैला भी उनके मुंह पर डाल दिया, साथ ही उनके कपड़ों पर भी उनको लगा दिया गया। इसके बाद दोनों युवकों का जुलूस निकालते हुए पुलिस की सुपुर्द कर दिया। दोनों युवकों के साथ बरते गए अमानवीय व्यवहार और उनके साथ मारपीट करने वाले 7 के खिलाफ पुलिस आपराधिक प्रकरण दर्ज कर लिया। दोनों पीड़ित युवकों की शिकायत पर इस मामले में पुलिस ने बरखाड़ी गाँव के रहने वाले अजमत खान, वकील खान, आरिफ खान, शाहिद खान, इस्लाम खान, रहीशा बानो, साइना बानो के खिलाफ आपराधिक प्रकरण दर्ज किया। एक आरोपी वकील खान को छोड़कर सभी आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। फरार वकील खान की तलाश में पुलिस जुटी हुई है। नरवर से कृपाल सिंह सोलंकी की रिपोर्ट, उद्घोषण। ये सतनवाड़ा परिक्षेत्र की बीट शेरगढ़ के अंतर्गत कक्ष क्रमांक 919 है। ये अधिसूचित हमारी आरक्षित वन भूमि है और इसमें जो है 3 अतिक्रमणकर्ताओं ने लगभग 3 हेक्टेयर जमीन पर अतिक्रमण किया हुआ था। इसके विरुद्ध जो है वन अपराध प्रकरण पंजीबद्ध किया गया है और फिर वन मंडलाधिकारी महोदय के द्वारा इनमें 80A के तहत जो है बेदखली का आदेश जारी किया गया है और इनको विधिवत समय दिया गया था कि ये स्वेच्छा से अपना अतिक्रमण हटा ले। इनको जो समय दिया गया था उस समय अवधि में इनके द्वारा अतिक्रमण नहीं हटाया गया तो शासन को जो है फिर इसमें वन विभाग, राजस्व विभाग और पुलिस विभाग के द्वारा संयुक्त कार्रवाई करके जो है अतिक्रमण से गिरफ्तार किया गया। सर, ये किन कारणों की वजह से हुआ अतिक्रमण? 30 तारीख को 2 युवकों के साथ मेला भी खिलाया था, उनको चप्पलों की माला भी पहनाई थी, संभवतः यह अतिक्रमण की कार्रवाई उसी से जुड़ी थी? नहीं नहीं, ये तो हमारी पहले से जो है कार्रवाई की हुई थी। हमने इसके उनके विरुद्ध वन अपराध प्रकरण 19/9/2022 को प्रकरण पंजीबद्ध किया गया था। ये अलग कार्रवाई है।